आप सभी को भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, तुलसी विवाह हिंदू धर्म के अनुयायियों द्वारा किया जाने वाला एक औपचारिक विवाह कार्यक्रम है, जिसमें तुलसी के पौधे का विवाह शालिग्राम अर्थात श्री हरि विष्णु के साथ किया जाता है। भक्तों, इसके पीछे की क्या कथा है, क्या कारण हुआ कि भगवान श्री हरि नारायण को शालिग्राम का रूप लेना पड़ा, ये तुलसी कौन है, इनकी क्या कथा है और इनकी विवाह कथा सुनने से भक्तों को क्या क्या फल प्राप्त होते हैं, आइए इस पावन संगीतमय कथा के माध्यम से आपको सुनाता हूँ। तो भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान लगाते हुए, माता तुलसी का गुणगान करते हुए आइए सुनते हैं ये पावन पवित्र तुलसी विवाह की कथा। किसके श्राप से श्री हरि विष्णु शालिग्राम बन जाते हैं, किसके श्राप से श्री हरि विष्णु शालिग्राम बन जाते हैं। तुलसी विवाह की भक्तों पावन तुमको कथा सुनाते हैं, तुलसी विवाह की भक्तों पावन तुमको कथा सुनाते हैं। किसके श्राप से श्री हरि विष्णु शालिग्राम बन जाते हैं, किसके श्राप से श्री हरि विष्णु शालिग्राम बन जाते हैं। तुलसी विवाह के भक्तों पावन तुमको कथा सुनाते हैं, तुलसी विवाह के भक्तों पावन तुमको कथा सुनाते हैं। कथा कुछ इस प्रकार से है। भक्तों, एक बार भगवान शंकर भयंकर क्रोध में आ गए थे। भक्तों, उसी क्रोध से उनका एक तेज उत्पन्न हुआ जो सागर में जाकर गिर गया। उसी तेज से एक भयंकर राक्षस उत्पन्न हुआ भक्तों, जिसका नाम था जालंधर। शिव का अंश होने के कारण जालंधर अतुलित बलशाली था। अपने बल के प्रताप से वो चहुओर हाहाकार मचा रहा था। जहां भी युद्ध करने जाता उसे कोई परास्त नहीं कर पाता था। उसके अतुलित बल से तीनों लोग थर थर कांप रहे थे। अब इंद्र को यह लगता था कि उसका राज्य भी जालंधर जल्दी ही छीन लेगा, ऐसा अतुलित बलशाली था जालंधर। आगे वो क्या क्या कृत्य करता है भक्तों, इस पावन संगीतमय गाथा के माध्यम से आपको सुनाने जा रहा हूं। तो ध्यान लगाकर सुनिए पावन तुलसी विवाह की कथा। शिव जी का तो तेज था निकला, सागर बीच समाया है। उसी तेज से एक असुर तो भक्तों बाहर आया है। शिव का अंश होने के कारण भारी शक्ति पाई है। उसके क्रोध से सारी सृष्टि थर 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 राई है। देवी देवता उसके क्रोध से भक्तों सब घबराते हैं, देवी देवता उसके क्रोध से भक्तों सब घबराते हैं। तुलसी विवाह के पावन भक्तों तुमको कथा सुनाते हैं, तुलसी विवाह के भक्तों पावन तुमको कथा सुनाते हैं। असुर जालंधर तीनों लोकों में हाहाकार मचाए हुए था। त्रिदेव भी उसकी शक्ति को देख हैरान थे। तभी भक्तों उसने विवाह करने की ठानी। दैत्य कालनेमी की कन्या वृंदा अत्यंत सुंदर सुशील एवं धर्मपरायण स्त्री थी। उसी से जालंधर ने विवाह किया। और विवाह क्या किया भक्तों, वृंदा के सतीत्व के कारण उसका जो अतुलित बल था दो गुना चौगुना हो गया। और इधर वृंदा की बात बताता हूं, राक्षस कुल में जन्म होने के बावजूद वो श्री हरि नारायण की परम भक्त थी। दिन भर पतिव्रत धर्म का पालन करती और नारायण हरि के नाम का जाप करती थी।
उसके इसी पतिव्रत धर्म के कारण जालंधर और भी शक्तिशाली हो गया। उसके मन में आया क्यों न लक्ष्मी से विवाह कर लूं, सो वैकुंठ लोक पहुंच गया। वहां माता लक्ष्मी ने उसे समझाया, जालंधर तू और मैं तो बहन भाई हैं, क्योंकि हम दोनों ही सागर से जाए हुए हैं। यह सुनकर जालंधर क्षुब्ध हो गया और कैलाश की ओर चल पड़ा। मन में था पार्वती के संग विवाह करूंगा। आगे क्या घटना घटित होती है भक्तों, आइए सुनते हैं। बात सुनी राक्षस की गौरा भारी क्रोध में आई है, शिव शंकर को जाकर उसने सारी बात बताई है। बात सुनी गौरा की भोले भारी क्रोध में आए हैं, जालंधर से युद्ध लड़ाने युद्ध भूमि में आए हैं। अपना अंश होने के कारण उसको मार न पाते हैं, अपना अंश होने के कारण उसको मार न पाते हैं। तुलसी विवाह के पावन भक्तों तुमको कथा सुनाते हैं, तुलसी विवाह के भक्तों पावन तुमको कथा सुनाते गौरा की बात सुनकर भोले शंकर भयंकर क्रोध में आ गए भक्तों, और जाकर युद्ध भूमि में जालंधर को ललकारा। दोनों आपस में भिड़ गए भक्तों, परंतु शिव का स्वयं का अंश होने के कारण भगवान शिव जालंधर को मार नहीं पा रहे थे। कई कई वर्ष बीत गए भक्तों, परंतु युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। इधर वृंदा का सतीत्व दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगा, जिससे जालंधर और भी शक्तिशाली होता रहा। अब सभी देवी देवता श्री हरि नारायण की शरण में आए और आह्वान लगाया, हे नारायण आप ही कुछ कीजिए, वृंदा का सतीत्व आपको हरना होगा, अन्यथा ये राक्षस कभी नहीं मर पाएगा। श्री हरि नारायण ने एक साधु का रूप बनाया और वृंदा के सन्मुख पहुंच गए। माया से दो वानर बनाए जिनके हाथों में जालंधर का शीश था। अपने मृत पति का शीश देखकर वृंदा मूर्छित हो गई कि तभी नारायण हरि ने जालंधर का रूप बना लिया। वृंदा जब होश में आई तो सामने नारायण रूपी जालंधर को पाकर प्रसन्न हो गई और उन्हें ही अपना पति मानकर पतिव्रत धर्म का पालन करने लगी। आगे होनी क्या खेल रचा रही है, आइए सुनते हैं। माया रचाई नारायण ने असुर का रूप बनाए हैं, जालंधर बनकर नारायण वृंदा सन्मुख आए हैं। अपना पति जानकर वृंदा सब व्यवहार लगाती है, हुआ सती तो भंग वृंदा का शक्ति क्षीण हो जाती है। उधर जालंधर शिव शंकर के हाथों मारे जाते हैं, उधर जालंधर शिव के हाथों भक्तों मारे जाते हैं। तुलसी विवाह की पावन गाथा भक्तों तुम्हें सुनाते हैं, तुलसी विवाह की भक्तों पावन तुमको कथा सुनाते हैं। इधर वृंदा श्री हरि नारायण को अपना पति जान उनके साथ पतिव्रत धर्म का पालन करने लगी और इससे उसका सतीत्व भंग हो गया। भक्तों उसका सतीत्व भंग क्या होना था, वहां पर जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई और भगवान शिव के त्रिशूल के प्रहार से उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जालंधर के सैनिक जालंधर का शीश लेकर वृंदा के सन्मुख पहुंचते हैं। वृंदा हैरान हो जाती है कि ये शीश मेरे पति का है, तो जिसके साथ मैं पतिव्रत धर्म का पालन कर रही थी वो कौन है। दौड़कर बाहर जाती है तो क्या देखती है, वहां उसका पति नहीं नारायण हरि खड़े हैं। यह देखकर वृंदा हैरान हो जाती है,
और रोते रोते नारायण हरि से कहती है, ये आपने क्या किया प्रभु, मैंने तो आपकी निष्काम भक्ति की थी, उसका ये परिणाम दिया, आपने आखिर ऐसा क्यों किया। उसके प्रश्नों को सुनकर नारायण हरि पाषाण बन जाते हैं, कोई उत्तर नहीं दे पाते। तब वृंदा हाथ में जल लेकर उन्हें श्राप देती है कि आप जो पाषाण बनकर खड़े हुए हैं, आज से आप पाषाण बन जाएंगे। उसी क्षण नारायण हरि शालिग्राम का अवतार धारण करते हैं और इधर वृंदा अपने अग्नि स्नान की तैयारी करती है। एक स्थान पर जाकर चिता सजाकर उसमें जल जाती है। उसके जलते ही वहां पर तुलसी का पौधा उगाता है। आगे की क्या कथा है भक्तों, बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ मेरे साथ सुनिए। सत्य जान कर वृंदा भक्तों भारी क्रोध में आई है, तुम पाषाण बनो श्री विष्णु शाप ये उनको सुनाई है। अग्नि स्नान कर वृंदा ने फिर देह को अपनी जलाया है, उसी जगह पर भक्तों तुलसी का पौधा उग आया है। श्री हरि अपनी करनी पर भक्तों भारी पछताते हैं, श्री हरि अपनी करनी पर भक्तों भारी पछताते हैं। तुलसी विवाह के पावन गाथा भक्तों तुम्हें सुनाते हैं, तुलसी विवाह के भक्तों पावन तुमको कथा सुनाते हैं। वृंदा के श्राप के कारण नारायण हरि शालिग्राम का रूप धारण कर लेते हैं। भक्तों, वृंदा की मृत्यु से नारायण हरि भारी शोक में है, उन्हें अपनी करनी पर पछतावा भी है, परंतु क्या करते, जग के पालनहार हैं, संसार की रक्षा करने हेतु उन्हें ऐसा करना पड़ा। जहां पर वृंदा ने स्वयं को जलाकर अपनी देह का त्याग किया था, वहां पर तुलसी का पौधा उगाया था। भक्तों, नारायण हरि ने बड़े प्रेम से उस पौधे की माला बनाई और अपने गले में धारण की और वहीं से संकल्प लिया कि तुलसी आज से मेरी पत्नी कहलाएगी। और भक्तजन, तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाकर हम दोनों की कृपा सदा सदा के लिए प्राप्त करते रहेंगे। वो कार्तिक माह की एकादशी थी भक्तों, तभी से यह त्योहार भक्तजन बड़े प्रेम और श्रद्धा से मनाते हैं तथा शालिग्राम और तुलसी का विवाह करवाते हैं। जीवन पर्यंत भौतिक सुख भोगते हैं और जीवन के अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। तो ये थी पावन तुलसी विवाह की कथा। यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो हम सब क्षमा प्रार्थी हैं। तो भगवान नारायण और माता तुलसी के चरणों का ध्यान करते हुए मेरे साथ बोलिए, बोलिए तुलसी मैया की, बोलिए भगवान शालिग्राम की। वृंदा के फिर शाप के कारण हरि पत्थर बन जाते हैं, तुलसी की माला थी बनाई हरि कंठ धरवाते हैं। तब से सारे भक्त तुलसी का भक्तों विवाह रचाते हैं, शालिग्राम संग ब्याह रचा के चंदन तिलक लगाते हैं। तुलसी विवाह की कथा सुनी तो भवसागर तर जाते हैं, तुलसी विवाह की कथा सुनी तो भवसागर तर जाते हैं। तुलसी विवाह की पावन गाथा भक्तों तुम्हें सुनाते हैं, तुलसी विवाह की भक्तों पावन तुमको कथा सुनाते हैं।